दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2022 की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रखी है काफी ज्यादा जो खास है क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस की आखिर में कब आएगी उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं सभी डाउट दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अथेंटिक और सटीक तरीके से मिलती रहे दोस्तों न्यूज में आज का बिल्कुल लेटेस्ट खबर है पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से बनाएगा परीक्षा केंद्रों की सूची यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी डिटेल दोस्तों दरअसल आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट को हो सकता है ये पुरानी लगे लेकिन न्यूज़पेपर यह बिल्कुल नई है समझिएगा यहाँ पर पुलिस व पी में कॉन्स्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पैंतीस हजार पदों पर नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह से फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है है कहने का मतलब है आगामी मंथ में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन मांगा जाएगा आप लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहे परीक्षा के लिए कारदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है कारदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे इस भर्ती में नागरिक पुलिस के कांस्टेबल के 26,200 हजार में कांस्टेबल के पचासी और फायरमैन के एक पदों को शामिल किया गया है ये खास न्यूज इसलिए हो जाती है क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है बट आपकी परीक्षाएं भी बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड न केवल आपकी आवेदन की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है इन दिनों आपके परीक्षा सेंटर किस तरीके से बनाए जाएंगे सभी पर कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना चाहिए तभी जाकर आप लोग